पिछले क्लास में हम लोग आपको बता रहे थे क्या क्या देखे थे, बोलिए, प्रपोजल किसको बोलते हैं, फिर आपने देखा था कि अगर किसी भी प्रपोजल को हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो प्रॉमिस बन जाता है, और फिर हम लोग कंसीडरेशन उसमें इंक्लूड होता है तब एग्रीमेंट बनता है, ये चीज आपने देखा था। हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, यहां तक हो गया था ना। आज क्लासिफिकेशन करेंगे कॉन्ट्रैक्ट का, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। शुरू करें ना, अब हो गया कॉपी। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लासिफिकेशन आप देख रहे हैं चार तरह से पहले बांटा गया है, ठीक है, और सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एंड लाइबिलिटी। इसके बाद फिर से इसको बांटा गया है एक्सप्रेस यानी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। हो सकता है कि आपको सबसे पहले अगर टाइप्स आएगा, आपके तो एमसीक्यू है, बट बहुत जगह तो लिखने के लिए आएंगे, जैसे मान लीजिए बाकी लोगों के लिए लिखने के लिए आएगा, आपका एमसीक्यू आएगा। एमसीक्यू में अगर मान लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये चारों दिया, उसमें से कोई एक हटा देगा तो आपको समझ में आ जाएगा, पहला। दूसरा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का डिफिनेशन दे देगा और बताएगा कि ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, यानी एक्सप्रेस, इंप्लाइड, टैसिट, क्वसी, ई कॉन्ट्रैक्ट, ये सभी के बारे में आपको लिखना पड़ेगा कि ई कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं, इंप्लाइड किसको बोलते हैं, एक्सप्रेस किसको बोलते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि डिफिनेशन से एमसीक्यू दे देगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। इसी तरह से आप देख रहे हैं वैलिडिटी में, सबसे पहले वैलिड है, वाइड है, वाइडेबल है, अनइन्फोर्सेबल है, इलीगल है, ठीक है, और फिर देख रहे हैं एक्सक्यूशन, एक्सक्यूटेड, एक्सक्यूटरी, पार्टली, दोनों में इंक्लूड करके सिर्फ सेम टू सेम रख दिया गया है। लायबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी जो क्लासिफिकेशन किया है कॉन्ट्रैक्ट का, क्या है बोलिए, सबसे पहला बायलेटरल और दूसरा, तो व्हाट इज बायलेटरल इसको भी तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको डिफिनेशन दे दिया और फिर बोल दिया उसमें से कुछ भी बता देगा, तो डिफिनेशन जो जो आता है मैं कुछ का डिफिनेशन लिखा दे रहा हूं, ठीक है, ये मिटा दें। देखो और समझो, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज मेड बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन इज सेड टू बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। आपको एमसीक्यू ऐसे दे सकता है, ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज मेड बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन इज सेड टू बी एन डैश कॉन्ट्रैक्ट। अब वहां पर एक्सप्रेस, इंप्लाइड ऐसे करके एबीसीडी दे देगा और आपको क्या चॉइस करना है वहां से, एक्सप्रेस, ठीक है। तो देखेंगे जी, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट आपको पता चल गया, जो कि वर्ड्स स्पोकन और रिटन से बनता है उसको एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। जैसे अगर ए ने प्रॉमिस किया टू सेल ए टेबल टू बी 500 रुपया में, और बी अगर एग्री हो जाता है तो इसकी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सप्रेस, आपने बताया, बोला और उसने एग्री हो गया। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, पहले इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को सोचो। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो क्या सोच के जाते हैं कि वहां जाएंगे, टेबल होगा, बैठेंगे, वाटर सर्व करेगा और फिर मेनू कार्ड से हम बताएंगे और हमको जो चाहेंगे मिल जाएगा। वो आपको बुलाया था नहीं ना, कोई कंडीशन रहता है, बट हम लोग के दिमाग में ये रहता है कि रेस्टोरेंट का मतलब यहां पर हम जाएंगे तो हमारा यहां से क्या मिलेगा। इसी तरह से मान लीजिए जो बस का रिक्वायरमेंट आपको होता है, जैसे 54 नंबर बस या कोई भी बस से अगर आप कहीं पर भी जाते हैं तो वहां पर लिखा हुआ रहता है कि हम कहां पर आपको लेकर जाएंगे, वो बताता है आपको, लेकिन हम लोग अपने आप देखते हैं कि ये कहां जाएगा, इंप्लाइड रहता है, ऑलरेडी इंप्लाइड मतलब ऑलरेडी पहले से हम लोग को पता रहता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। वहां पर कुछ बोलने का दरकार नहीं होता है,
हम लोग खुद ही रेस्टोरेंट के अंदर घुसते हैं। तो बोलता है एज पर सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट इन सो फार एज ए प्रपोजल इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स स्पोकन और रिटन द प्रपोजल इज सेड टू बी इम्प्लाइड। जैसे गेटिंग इन टू पब्लिक बस, हम लोग पब्लिक बस में जाते हैं, टेकिंग लंच इन ए रेस्टोरेंट, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, आ गया समझ में, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखिए, टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको किस तरह से एमसीक्यू दे सकता है। विथड्रॉइंग कैश थ्रू एटीएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश कॉन्ट्रैक्ट। जो हम लोग एटीएम से पैसा निकालते हैं वो किसका एग्जाम्पल है? टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि टेसिट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? A contract is said to be tacit contract when it has inferred from the conduct of the parties. जो आपके कुछ करने से होता है, हम लोग का कुछ करने से, ATM मशीन में हम लोग जाते हैं, कुछ करते हैं, तो क्या वहां से निकलता है? कैसे निकलता है? ठीक है, तो देखेंगे tacit contract हुआ, और ई कॉन्ट्रैक्ट तो अभी आप जानते ही हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट जो इंटरनेट के द्वारा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ई कॉन्ट्रैक्ट। तो यह किस तरह से आएगा? ए कॉन्ट्रैक्ट एमसीक्यू में, ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड बाय इंटरनेट इज कॉल्ड डैश। तो दो चार दे देगा, उसमें से आपको क्या करना है? ई कॉन्ट्रैक्ट लिखना है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको मिटा रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो जो आता है, आ सकता है, उसको लिखवा रहे हैं। टाइप्स में मान लीजिए जो इसका लॉन्ग आ रहा है, ये लोगों का तो एमसीक्यू आ रहा है, बट कुछ लोग है ना जिसको पूरा का पूरा लिखना है, अभी हर जगह तो एमसीक्यू नहीं हुआ है, तब टाइप्स आप लिखेंगे, और टाइप्स लिखने के बाद सभी को आप एक्सप्लेन मत करना। कितने को करोगे? मान लीजिए अब कितना था, देखिए गिन के कितना था, ये टोटल था कितना? 5, 5, 10, 16। तो क्या आप 16 को डील करेंगे? अगर मान लीजिए ये लॉन्ग क्वेश्चंस में भी अगर आते हैं, जिसका एमसीक्यू नहीं आते, अगर लॉन्ग क्वेश्चंस में आएंगे तो दिखा दो पूरा, और उसमें से क्या करना है आपको? 7-8 डील कर देना है। तो 7-8 हम लोग यहां पर आपको तो लिखा ही देंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, बार बार आते हैं। शुरू करें, ध्यान से देखिए, एक एक करके हम लोग देख रहे हैं। अभी क्या आ गया बताइए? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। देखो क्या होता है, मान लीजिए आपने किसी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया घर को पेंट करने के लिए, ठीक है, 10,000 में बात पक्का हो गया, उसने आपके रूम को पेंट कर दिया, उसके काम से खुश होके आपने उसको 10,000 से ज्यादा दिया। कितना देना था? 10,000, बट मान लीजिए आपने खुश होके उसको, क्योंकि उसका काम बहुत पसंद आया, होता है ना कभी कभी काम बहुत पसंद आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं? ज्यादा पे कर देते हैं, थोड़ा बोलते हैं बख्शीश ले लो। तो मान लीजिए 11,000 रुपया आपने दे दिया, बट कॉन्ट्रैक्ट कितने का था? 10,000। खराब काम किया तो हम लोग पैसा काट भी लेते हैं, हम लोग बोलते हैं क्या कर दिया, कुछ हम लोग को तो कहीं से अच्छा ही नहीं लग रहा है, जितना बोले थे हम नहीं देंगे, हम लोग काट भी लेते हैं। तो ज्यादा भी देते हैं और कम भी देते हैं। बोलता है ए कॉसी कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड बाय लॉ। समटाइम्स द लॉ में से दैट अ पर्सन इज रिसीविंग मोर देन व्हाट ही इज एक्चुअली इंटाइटल, ज्यादा भी टू रिसीव, एंड ही वुड पे द एक्सेस। हम लोग को जो अगर वो रिसीव करेगा तो किसी को पे करना पड़ेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दिख ही रहा है वैलिड, वैलिड का मतलब क्या होगा? सभी तरह से ठीक ठाक हो। एन एग्रीमेंट विच सेटिस्फाई ऑल द रिक्वायरमेंट्स प्रिस्क्राइब बाय द इज कॉल्ड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और अब देखेंगे बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बायलैटरल का मतलब हुआ दोनों साइड। अगर मान लीजिए आप अगर कोई चीज के लिए ऑफर करते हैं और अगला अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया तो प्रॉमिस हो गया, तो उसको भी अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहिए, हमको भी अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहिए। मतलब अभी प्रॉमिस नहीं हुआ बट इन फ्यूचर पूरा हो जाएगा। तो ये बोल रहा है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इन विच बोथ द पार्टीज कमिट टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस इज कॉल्ड बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। और मिस्टर एक्स ने ऑफर किया
अपना घर वाई को बेचने के लिए, ठीक है, और एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स ऑफर बाई वाई, देर इज ए प्रोमिस बाई मिस्टर एक्स टू सेल द हाउस एंड देर इज ए प्रोमिस बाई वाई टू परचेज। अब देखेंगे एक्स ने सेल करने के लिए प्रोमिस किया तो ये सेल करेगा, और वो परचेज करने का प्रोमिस किया तो ये अपना प्रोमिस पूरा करेगा, वो अपना प्रोमिस पूरा करेगा, ठीक है। तो यहां तक हो गया, एक और देखिए, देखेंगे अभी आपने देखा था बायलेटरल जिसमें दोनों को अपना अपना प्रॉमिस पूरा करना था, बट इसमें यूनिलेटरल में आप क्या देख रहे हैं, कोई एक कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है। ए यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इज वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच ओनली वन पार्टी हैज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द अदर पार्टी फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस कॉल्ड यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अभी एक्चुअल में ये टॉपिक तो हम लोग का खत्म हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में एक समरी बना देते हैं। जैसे याद होगा आपको, अगर आप में से काफी लोगों का जीएसटी था, जीएसटी पूरा कराने के बाद हम लोगों ने उसका एक समरी बना दिया था, चलिए समरी बनाते हैं। हो गया, देखो आप देखें कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है। मान लीजिए किसी ने आपको एक ऑफर दिया, ऑफर से ही शुरुआत हुआ था ना, और मान लीजिए आपने उसको उसके ऊपर कोई एक्सेप्ट उस ऑफर को नहीं किए, तो वो प्रॉमिस में कन्वर्ट होगा क्या, नहीं होगा। तो देखेंगे अगर कोई ऑफर इफ नॉट एक्सेप्टेड बाय बोथ द पार्टीज, अगर कोई उसमें से कोई एक पार्टी अगर एक्सेप्ट नहीं करता है, विल रिमेन ऑन ऑफर, वो ऑफर ही रह जाता है, आगे बात नहीं बढ़ेगा। जब तक कि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब प्रॉमिस नहीं होगा, तब आगे कंसीडरेशन नहीं होगा, तो कैसे एग्रीमेंट होगा। बट अगर एक्सेप्ट होता है तब वो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है। यानी अगर कोई ऑफर को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं तो वो प्रॉमिस बनता है, और प्रॉमिस में कंसीडरेशन को जोड़ते हैं तब वो क्या हो जाता है, एग्रीमेंट। ये हम पिछले क्लास में आपको दिखाए थे। अब याद कीजिए दो तरह के होते हैं, कमर्शियल और उसके एग्जाम्पल भी दिए थे हम आपको। तो देखेंगे जी अगर ये नॉन कमर्शियल रहेगा, दीज आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, और ये ठीक है, तो जो कमर्शियल एग्रीमेंट होते हैं वो बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। तो आपने यहां पर क्या देखा कि अगर कोई ऑफर कोई एक पार्टी एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो ऑफर ही रह जाता है, बात आगे नहीं बढ़ता है, लेकिन जब एक्सेप्ट करेगा तभी बात आगे बढ़ेगा। और यहां से कमर्शियल और नॉन कमर्शियल का डिफिनेशन हम लोग देख चुके हैं, देखेंगे इसके एग्जाम्पल सारे हम करवा चुके हैं, तो ये पूरा समझ में आ गया। तो ये पूरा का पूरा हम लोग अभी एक बार रिविजन कर लिए। अब ये देखना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो करता है, अब तो कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा बात हो गया ना, जो भी कमर्शियल एग्रीमेंट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, कौन कौन से लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप बोलेंगे कि सारे लोग करेंगे, नहीं करेंगे ना, तो देखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किन किन लोगों को बोला है कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, उन लोगों को थोड़ा देख लीजिए। देखेंगे और बातों को समझिए। सबसे पहले आपको बोल रहा है कि पार्टीज या पर्सन अनेबल टू इंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले आप देख रहे हो माइनर, बट माइनर के केसेस में, सम केसेस में ये कर सकता है, वो एक्सेप्शंस है, बट माइनर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। कुछ कंडीशन है जो हम लोग आगे देखेंगे। दूसरा, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब जिसने अपना मेमोरी खो दिया है, उसको कुछ नहीं पता चलता है, उसके अंदर ही तीन लोगों को बांटा गया है। पहला है ल्यूनेटिक,
अब ल्यूनेटिक किसको बोलते हैं उसको आप एक लाइन में समझ लीजिए, क्योंकि लिखा के कोई फायदा नहीं है। ए ल्यूनेटिक पर्सन इज ए पर्सन हु सफर अ सीरियस मेंटल डिसऑर्डर, सीरियस मेंटल डिसऑर्डर। तो देखेंगे जी, अगर इस तरह के जो लोग होते हैं उसी को क्या बोला जाता है, एंड ये क्या हुआ, अ पर्सन हु हैज कंप्लीटली लॉस्ट हिज मेंटल पावर्स, और वो कैपेबल नहीं है डिसीजन लेने लायक, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और इसका मतलब क्या हुआ बोलिए, मतलब जो नशा करता है, ठीक है, उसको भी उसका भी क्या होता है, हर समय वो एक जैसा माइंड में नहीं रहता है। लास्ट वन इज पर्सन डिस्क्वालिफाइड, ठीक है, देखेंगे। ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए यहां पर क्या बोला गया है, काफी लोग क्या होते हैं जो नशा करते हैं तो उसका हर समय मेंटल ऑर्डर एक जैसा नहीं रहता है, जिस समय वो डिसऑर्डर में है उस समय कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इंसॉल्वेंट, अगर कोई इंसॉल्वेंट हो गया तो वो क्या कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इंसॉल्वेंट कैसे हुआ, क्योंकि उसका लायबिलिटी ज्यादा हो गया था, एसेट्स कम हो गया था, फिर क्या बोलिए, कन्विक्ट। अब इसके बारे में अगर आप बोलेंगे लिखाने के लिए तो क्या होगा कि फिर थोड़ा समय लग जाएगा। हम बोल देते हैं एक कन्विक्ट किसको बोला जाता है, वाइल अंडरगोइंग, जो ऑलरेडी कभी ना कभी वो जो जेल गया है ना उसी को क्या बोला जाता है, कन्विक्ट। हाँ, वो तो करना पड़ेगा, आगे देखेंगे। कॉरपोरेशन एंड कंपनी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्या लिखा हुआ है बोलिए, अ पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो इंडियन सिटीजन नहीं है उसी को क्या बोला जाता है, और फिर लास्ट वन क्या है बोलिए। तो एक दो चीज को लिख लीजिए, हम लोग इसके मतलब में क्या सोच रहे थे, वो मंगल ग्रह वाला आदमी है? चलो लिखो, तो एमसीक्यू कैसे आ सकता है, लिखेगा पार्टीज या पर्सन अनेबल टू इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, एबीसीडी दे दिया, माइनर, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अब देखेंगे ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड्स में क्या क्या आ सकता है, तो एग्जाम्पल देगा, ये सारे आएंगे, और यहां पर आप देख रहे हैं लॉ के अंदर ये सारे देंगे। तो इस तरह से आपने देख लिया कि कौन कौन से लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। यहां तक भी क्लियर, नेक्स्ट चलें।